अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं अर्जु काजमी और आप हमेशा की तरह से देख रहे हैं बेजा फ्राई। जी हाँ, बेजा फ्राई के नए एपिसोड के साथ हम हाजिर हैं। और इससे पहले कि हम न्यूज़ की तरफ चलें, सबसे पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। बात हम करेंगे सबसे पहले पाकिस्तान की, और जहाँ पे आप सब जानते ही हैं कि कल क्या बल्कि सब्जी सुबह तक ही जो है वो नेशनल असेंबली और दूसरी असेंबली जो हैं वो डिसॉल्व कर दी गई हैं। और एक तरह से ये टेन्योर जो गवर्नमेंट का चल रहा था 5 साल का, वो कंप्लीट हो गया। अब इसमें बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं, जाहिर है शुरू हुआ था इमरान खान साहब से और ये असेंबली ख़त्म हुई प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ के साथ। जी हाँ, इमरान खान साहब का भी आप लोग जानते हैं कि खान साहब जो हैं वो आजकल जेल में हैं, और कोशिश की जा रही है उनके लॉयर्स की तरफ से कि इमरान खान को सलाखों से बाहर निकाला जा सके। खान साहब बहरहाल सलाखों के पीछे हैं और हम उम्मीद करते हैं कि जल्दी बाहर भी आ जाएंगे, लेकिन फिलहाल उनके ऊपर केसेस पे केसेस जो है वो खुलते चले जा रहे हैं। बुशरा बीबी जो इमरान खान साहब की इस वक्त मौजूदा बेगम है, उनको परमिशन दे दी गई है कि वो जाकर इमरान खान साहब से मिल सकती हैं जेल में। और उसके बाद उनके अपने केसेस जो चल रहे हैं बुशरा बीबी के, उनका भी फैसला जल्दी आने की तो उम्मीद की जा रही है। वो भी हम आपको अपडेट करेंगे जैसे ही कोई फैसला आया। हम ये भी बताते चलें, शहबाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट के हटते ही, या शहबाज शरीफ की गवर्नमेंट जो है जैसे ही आप समझिए कि उसका टाइम पूरा हुआ है और वो हटी, अभी तक फिलहाल जो है केयर टेकर गवर्नमेंट की अनाउंसमेंट नहीं हुई है, इसलिए हम अभी कुछ कह नहीं सकते कि केयर टेकर गवर्नमेंट में कौन आएगा। लेकिन ये जरूर है कि इस्लामाबाद के जो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं, वहां पर बहुत से टीचर्स जो 10 या 15 साल से काम कर रहे थे डेली वेजेस पे, कई टीचर्स जो हैं उनकी तो खैर आप समझते हैं कि परमानेंट जॉब होती है, लेकिन बहुत से टीचर्स ऐसे होते हैं जो डेली वेजेस पे काम करते हैं, और वो टीचर्स तकरीबन 10 से 15 साल उनको हो गए थे ये डेली वेजेस पे काम करते हुए, उनको इस्लामाबाद के गवर्नमेंट कॉलेजेस से निकाल दिया गया है। जी हाँ, सबसे पहली न्यूज़ तो यही हम आपको दे दें, और आप इससे समझ सकते हैं कि हमारी एजुकेशन सिस्टम जो है वो कैसा है और हम एजुकेशन में कितने सीरियस हैं। बहरहाल टीचर्स के साथ मुझे हमदर्दी है, और 10-15 साल से वो टीचर्स जो हैं वो इस्लामाबाद के गवर्नमेंट स्कूल्स में पढ़ा रहे थे, डिफरेंट सब्जेक्ट्स पढ़ा रहे थे, और उनको एकदम से जो है वो निकाल दिया गया है और कहा गया है कि जी आप जाइए, अब हमें डेली वेजेस पे टीचर्स नहीं चाहिए। अब क्या होगा आगे स्टूडेंट्स का और टीचर्स किस तरीके से अपना गुजारा करेंगे, बहरहाल इसका जवाब देने के लिए इस वक्त कोई भी जो है वो ना तैयार है और ना ही मौजूद है। बात हम एक बार फिर करेंगे इमरान खान साहब की, और इमरान खान साहब की ही पार्टी की एक मेंबर जो हैं जो काफ़ी एक्टिव रही हैं, शानदाना गुलजार। जी हाँ, शानदाना गुलजार साहिबा को जो है वो इस्लामाबाद से अरेस्ट कर लिया गया है, और वो बहुत इमरान खान के हक में ट्वीट्स करती थी, बहुत वीडियोस वगैरह भी लगाया करती थी, इंटरव्यूज दिया करती थी। वैसे इमरान खान के सपोर्टर्स हैं, इमरान खान की पार्टी की मेंबर हैं, इमरान खान के टाइम में पार्लियामेंट में भी रह चुकी हैं, और एक काफ़ी काबिल खातून के तौर पर भी हम इनको जानते हैं। लेकिन बहरहाल इनको इस तरह से अरेस्ट करना जो है, मेरा ख्याल है कि वो कहीं से भी सही बात नहीं है। खैर, हम आगे बढ़ते हैं और हम आपको बात करेंगे सिराजुल हक साहब की। जी हाँ, सिराजुल हक साहब जो कि जमात इस्लामी के सरबरा हैं, उनका कहना यह है कि उनका कहना यह है चंद खानदानों ने मुल्क तबाह कर दिया है, और यही बात जो है वो मेरे ख्याल है बार बार ये सिराजुल हक साहब कह रहे हैं, और उनका इशारा यकीनन इस तरफ है कि वो चंद खानदानों को हटा के मुल्क को मजीद तबाह करने के लिए शायद वो ये चाह रहे हैं कि जमात इस्लामी को आगे लाया जाए या कोई और रिलीजियस पार्टी को आगे लाया जाए, लेकिन खैर ऐसा होता हुआ फिलहाल दिखाई नहीं दे रहा, तो इसलिए मेरे ख्याल है सिराजुल हक साहब को सब्र करना चाहिए। बात हम करेंगे एक बार फिर शानदाना गुलजार की। शानदाना गुलजार जो है उनको इस्लामाबाद से अरेस्ट किया गया है, और मेरा ख्याल है कि बहुत एक काबिल खातून है। पीटीआई में कुछ गिनी चुनी चंद ही खवातीन ऐसी हैं जिनको कहा जा सकता है कि वो कोई अकल की बात करती हैं या कुछ पढ़ी लिखी और तमीज़ की हैं, उन्हीं में से एक शानदाना गुलजार साहिबा हैं, और हम उम्मीद करते हैं
उनका जो भी केस है उसको जल्द ही उसकी सुनवाई की जाएगी और फिर जल्दी हम उनको वापस उनके घर में आराम से बैठा हुआ देखेंगे। खैर, हम बात करेंगे भारत की, और भारत में ये भी बताया जा रहा है कि भारत का शहर है हैदराबाद, जैसे हैदराबाद हमारे यहाँ भी है, और बहुत से लोग कहते हैं जी आप लोगों ने हैदराबाद नाम क्यों रखा है। जी हैदराबाद नहीं, हमारे यहाँ बहुत से सिटीज के नाम ऐसे जो वही है जो के भारत के हैं। लेकिन खैर, वहां से भी हमें एक अफसोस की ही खबर है, और वो ये कि हैदराबाद में कोई लड़का था जो कि अपनी गर्लफ्रेंड के लिए पिज्जा लेके पहुंचा था फोर्थ फ्लोर पे, उसके बाप की नजरों से बच के गर्लफ्रेंड को पिज्जा देने जा रहा था, तो वो बताया ये जा रहा है कि वो उस फ्लोर से फोर्थ फ्लोर से गिरकर उसकी डेथ हो गई, और बहुत अफसोस हुआ ऐसी न्यूज़ जो है वो देखकर, चाहे किसी भी जगह की हो, एक अफसोस तो होता ही है। और मुझे भी इस खबर को देखकर बहुत दुख हुआ कि इस तरह से जो है उस बेचारे की, उस 20 साल का वो लड़का था और समझे बच्चा ही था, और बच्चे की जो है वो इस तरीके से जान गई। मेरे ख्याल है लोगों को एहतियात करना चाहिए, अपने बच्चों पे भी नजर रखें, उनको भी समझाएं, और कि इस तरह के एडवेंचर्स करने की कोशिश ना किया करें कि विंडो के जरिए या तो किसी हाई फ्लोर की को पे जाना हो, या किसी फोर्थ थर्ड फ्लोर पे, फोर्थ फ्लोर पे इस तरह की किसी बिल्डिंग में जाना है तो वो छत के जरिए या इस तरह से जाने की कोशिश ना किया करें, इसमें चोट भी लग सकती है और जान जाने का भी खतरा होता है। खैर, हम चलते हैं आगे, और हम आपको बताते चलें कि फिलहाल तो खैर नवाज शरीफ साहब की वापसी हमें आती हुई दिखाई नहीं दे रही, मगर फिर भी जो बिलावल भुट्टो जरदारी हैं उनके नाम, उनके मुंह पे नाम जो है वो नवाज शरीफ साहब का ही आता है। It was owed in equal amount to the assistance given to Pakistan by China, the Kingdom of Saudi Arabia, and the United Arab Emirates, a sign that our traditional partners are standing firm with us. I am happy that we were able to contribute to this national effort led by the Prime Minister, Mr. Shahbaz Sharif. Exiting the FATF grey list, exiting the FATF. जी, ये थे बिलावल भुट्टो जरदारी जो कि शहबाज शरीफ साहब का नाम लेना चाह रहे थे, और उनके मुंह से गलती से जो है वो नवाज शरीफ साहब का नाम निकल गया। बहरहाल, इस तरह हो जाता है कभी कभी, लेकिन सिर्फ बात यही नहीं है कि हमारे ही पॉलिटिशियंस कुछ गलत बोल जाते हैं, भारत में भी ऐसे लोग कम नहीं है। और एक बार फिर हमें एक वीडियो मिली है, और वो है आपके और हमारे, हम सबके फेवरेट राहुल गांधी जी। 22 रुपए लीटर, आज 40 रुपए लीटर। सरकार 2500 रुपए में क्विंटल खरीदती है। मध्य प्रदेश में 35 लाख बेरोजगार युवा है। 4.5 साल में नरेंद्र मोदी जी ने 15 लोगों का 3.5 लाख रुपए कर्जा माफ किया है। 15 लोगों का 3.5 लाख रुपए कर्जा माफ किया है। अच्छी बात बोली, आपको अच्छी लगी तो ऐसे थोड़ा मार दीजिए हाथ, आप थोड़ा सा मार दीजिए। जी तो ये थे राहुल गांधी, और हमेशा ही कोई ना कोई बहुत इंटरेस्टिंग बात कर रहे होते हैं। और आजकल तो ऐसे हम ट्विटर पे और सोशल मीडिया पे देख रहे थे कि कुछ इंडियंस जो हैं, जिसमें एक बड़ी खूबसूरत सी हमारे हमारे साथ शो में भी आ चुकी हैं, मीशा बाजवा, उनका कहना है कि जी राहुल गांधी को चाहिए कि वो शादी कर लें, और शायद शादी कर लेंगे तो बहुत से एक तो प्रॉब्लम्स सॉल्व हो जाएंगे उनके, और साथ साथ उनको ये भी समझ आ जाएगी कि घर में क्या क्या प्रॉब्लम्स होती हैं, घर को कैसे चलाया जाता है, कैसे मैनेज किया जाता है। तो मेरा ख्याल है कि मुझे भी मीशा जी की ये बात बड़ी पसंद आई है, और आई होप कि हम जल्दी देखें कि राहुल गांधी जी की जो है वो शादी की जाए, और ताकि उनको ज़्यादा अच्छे से पता लगे कि घर में क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, और एक लीडर के तौर पर वो जाहिर के सामने आएंगे। खैर, हम चलते हैं जी अगली न्यूज़ की तरफ, और हम आपको ये बता दें कि जी शाहिद खाकान अब्बासी जो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं,
कमीशन का कहना है कि जी खुशी का दिन है क्योंकि अवाम को इस बदतरीन असेंबली से नजात मिली है, हमने अवाम को तकलीफ के सिवा कुछ नहीं दिया, मैं अवाम से माफी मांगता हूँ। जी हाँ शाहिद खाकान अब्बासी साहब, आवाम से माफी तो मांगनी चाहिए लेकिन आपको अकेले को नहीं, मेरे ख्याल है कि जितने भी पॉलिटिशियंस हैं, चाहे वो इमरान खान की पार्टी हो, चाहे वो जरदारी साहब की या पीएमएलएन जो आपकी पार्टी है, आप सबको ही पब्लिक से माफी मांगनी चाहिए। महंगाई का एक तूफान है पाकिस्तान में इस वक्त, जिससे कि बचना जो है वो किसी के लिए भी पॉसिबल नजर नहीं आ रहा। लोग बहुत सख्त परेशान हैं, बिजली के बिल हो, चाहे वो सुई गैस हो या चाहे वो किसी भी किस्म की सब्जी या खाने पीने की चीजें हो, वो सबकी सब बहुत महंगी हो गई है। मेडिसिंस जो है वो लोगों की पहुंच से दूर है। आज सुबह से न्यूज चल रही थी के कई हॉस्पिटल्स के अंदर जो है वो लाइट नहीं है, लोड शेडिंग के नाम पे हॉस्पिटल्स की लाइट बंद कर दी गई और डॉक्टर्स जो हैं वो अंधेरे में ऑपरेशन कर रहे हैं। जी हाँ, डॉक्टर्स पाकिस्तान में अंधेरे में ऑपरेशंस करने पे मजबूर हैं क्योंकि लाइट बंद कर दी गई और उसकी भी वीडियो जो है काफी वायरल हुई है कि जिसमें डॉक्टर्स जो हैं वो अंधेरे में ऑपरेशन कर रहे हैं और पसीने पसीने हुए हुए हैं गर्मी की वजह से भी, और जाहिर है उनको दिखाई भी, मुझे नहीं समझ आ रही कि क्या देख रहे होंगे और कैसे ऑपरेशन हो रहा होगा, जो कि एक बहुत ही सेंसिटिव काम है, और हॉस्पिटल्स की लाइट्स जो हैं वो बंद कर दी गई। लेकिन यहाँ पे किसी को परवाह नहीं है खास, इसलिए कि हमारे जो पॉलिटिशियंस हैं या हमारी जो एस्टेब्लिशमेंट है, हमारी एजेंसीज हैं या जो बड़े लोग हैं, उनमें से कोई भी पाकिस्तान में तो इलाज करवाता नहीं है कि वो कोई फिक्र करे कि जी हमारा इलाज कैसे होगा। वो सबके सब तो कहीं लंदन, कोई अमेरिका या किसी और कंट्री में जाके अपना ट्रीटमेंट करवाते हैं। यहाँ पे सिर्फ मरने के लिए या तकलीफ सहने के लिए आम पब्लिक है और इसके ज्यादा कुछ नहीं। हम चलते हैं जी अगली न्यूज की तरफ, और हम आपको ये बता दें कि जी सलीम साफी साहब जो हमारे एक बड़े जर्नलिस्ट हैं, उनका कहना है कि इकोनॉमिक मामलात में पीडीएम की हुकूमत बेहतर रही लेकिन करप्शन के लिहाज से पीटीआई से बदतर रही। यानी कि जो पीडीएम की गवर्नमेंट, जो अभी गवर्नमेंट गई है इमरान खान के बाद, उनका कहना यह है कि उन्होंने इकोनॉमी को तो थोड़ा बहुत संभाला कर लिया है लेकिन करप्शन में वो इमरान खान की पार्टी से भी ज्यादा बदतरीन रही और करप्शन इनके दौर में भी बहुत ज्यादा हुई है। अब इस बात का जवाब जो है वो पीडीएम यानी कि जो ये सारी पार्टीज मिलकर जिन्होंने गवर्नमेंट इस वक्त एस्टेब्लिश की थी इमरान खान के बाद, यकीनन वही लोग इस बात का जवाब दे सकते हैं और वही बेहतर होंगे कि वो ही जवाब दें, कोई और इस बात का जवाब देता हुआ मुझे ख्याल है, मेरा ख्याल है कोई हमें नजर नहीं आ रहा। मुबारक हो, मुबारक हो, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जिंदाबाद, कहो कहो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। जी ये थे मौलाना ताहिरुल कादरी, जो एक जमाने में इमरान खान साहब के काफी साथ दिखाई देते थे, इमरान खान साहब के साथी थे, इमरान खान साहब के अपने आप को कजन भी बताया करते थे। मौलाना ताहिरुल कादरी साहब काफी टाइम से कनाडा फरार हुए हैं, कनाडा पहुंचे हुए, वैसे वो पहले भी कनाडा ही रहते थे और वहीं से आते थे और वहीं वापस चले जाते थे। यहाँ पर वो सिर्फ सियासत करने और अपने भाषण देने के लिए आते थे, लेकिन अब मौलाना ताहिरुल कादरी साहब ने ये कहा है कि जी उन्होंने पॉलिटिक्स से तौबा कर लिया, उन्होंने पॉलिटिक्स से अपने आप को अलग कर देने का ऐलान किया है। इमरान खान साहब जेल में हैं और जेल में से जी बताया गया है कि उनको एक चारपाई दी गई है, एक एयर कूलर दिया गया है और उनको जो है वो मतलब उस चारपाई पे बिछाने के लिए जो मैट्रेस होता है और तकिया वकिया सब कुछ दिया गया है, ये बताना है गवर्नमेंट का। और साथ उनको ये भी बताया गया है कि इमरान खान को अलग कमरे में रखा गया है, उनके साथ कोई दूसरा मुजरिम या कोई दूसरा ऐसा जो कि जेल काट रहा हो वो नहीं है। अभी तक इमरान खान को जो है वो उनका जो जेल की जो सेल है उसको चेंज नहीं किया गया है, बहरहाल उनकी तरफ से एप्लीकेशन जा चुकी है और देखते हैं कि कब होता है, और साथ ही इमरान खान को बेल कब मिलती है, इस बात का भी लोगों को काफी इंतजार है। लेकिन बहुत से लोग ये भी कह रहे हैं कि गवर्नमेंट जो है, जो यानी पीडीएम की गवर्नमेंट जो है वो इमरान खान को बहरहाल काफी टाइम तक बाहर नहीं आने देगी, और उसके बाद अगर खान साहब बाहर आ सके तो मजीद कई केसेस उनका इंतजार कर रहे हैं जिसकी वजह से वो दोबारा फिर जेल में जा सकते हैं। चौधरी शुजात हुसैन ने भी तकरीबन 5 नाम जो है वो भिजवा दिए हैं केयर टेकर गवर्नमेंट में सेटअप जो बनेगा उसके लिए, 5 नाम जो है वो चौधरी शुजात ने भी सजेस्ट कर दिए हैं। अब देखते हैं कि केयर टेकर गवर्नमेंट में कौन आता है और कितने लोग जो है वो उनको लेकर ये कैबिनेट बनाई जाती है, मगर ये जरूर है कि ये आएंगे तो सही लेकिन जाएंगे नहीं, और यही बात बार बार की जा रही है कि इलेक्शंस भी टाइम पर नहीं होंगे और इलेक्शंस
का टाइम भी जो है वो नेक्स्ट ईयर फरवरी या मार्च या हो सकता है उससे भी आगे की तरफ जो है वो चला जाए। लेकिन साथ साथ हम आपको ये भी बताते चलें कि जी अब राजा रियाज साहब का कहना है मुल्क को डिफॉल्ट से बचाने में हमारा भी किरदार रहा है। जी हाँ, यानी कि पीपल्स पार्टी जो है वो भी एक क्रेडिट ले रही है कि जी पाकिस्तान जो डिफॉल्ट होने जा रहा था उससे बचाने में जो है वो इनका भी एक रोल रहा है, तो रहा ही होगा जी सबका। हम अमीर और गरीब में फर्क कम कर रहे हैं, सिर्फ हुकूमत सिंध है जो अवाम दोस्त हुकूमत है। जी हाँ, ये कहना है बिलावल भुट्टो जरदारी का कि अमीर और गरीब का फर्क कम कर रहे हैं और सिर्फ सिंध की हुकूमत है जो के दोस्त हुकूमत है या अवाम दोस्त हुकूमत है। तो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, क्या आपने मियां मिठू का नाम सुना है? और अगर नहीं सुना तो आपको मेरा ख्याल है बहुत अफसोस होना चाहिए कि आप सिंध में सालों से हुकूमत कर रहे हैं और आप ये नहीं जानते कि मियां मिठू नाम का एक आदमी है सिंध में और जो कि हिंदू कम्युनिटी की बच्चियों को उठा के ले जाता है, जबरदस्ती उनका रिलीजन चेंज करवाता है, उनकी जबरदस्ती शादियां करवाता है, उनके माँ बाप को डराता धमकाता है, वो बेचारे रोते हैं, दुहाइयां देते हैं, यहाँ तक कि अब बहुत से लोग जो हैं वो ये भी सोचने पे मजबूर हो गए हैं कि पाकिस्तान को छोड़ के कहीं और चले जाएं। और उनके लिए आप कुछ नहीं कर रहे और आप दावा ये कर रहे हैं कि सिंध में जो गवर्नमेंट है वो सबसे ज्यादा अवाम दोस्त गवर्नमेंट है। अगर ऐसा ही है तो इस मियां मिठू को अरेस्ट करके दिखाइए, और अगर आप वाकई समझते हैं कि आप लोगों के हमदर्द हैं और आपको पब्लिक की कोई परवाह है तो मेरा ख्याल है फिर मियां मिठू को अरेस्ट करने में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, और ऐसा आप करेंगे तो आपकी रिस्पेक्ट बढ़ेगी ही, कम नहीं होगी। तो ये करके दिखाइए तो हम आपको मान जाए। खैर, हम भी चलते हैं अगली न्यूज की तरफ। इटली में एक बार फिर एक कश्ती जी डूब गई है और 41 के करीब लोग बताए जा रहे हैं जो जिनकी उसमें डेथ हुई है। और इससे पहले भी आपको याद होगा कि कुछ दिन पहले भी इटली जाते हुए ही एक बोट थी जो कि इस तरह से डूब गई थी और उसमें कई लोगों की जाने गई थी जिसमें पाकिस्तानी भी शामिल थे, और लोग अभी भी इतने परेशान है कि वो सब कुछ हो जाने के बावजूद फिर उसी तरह की बोट में उन्होंने फिर इटली जाने की कोशिश की। और एक बार फिर यही बताया जा रहा है कि ये बोट भी जो है वो डूब चुकी है और इसमें 41 के करीब लोगों की अभी तक बताया जा रहा है कि जाने गई हैं। खैर, ये सरकारी आंकड़ा है, हो सकता है कि नंबर बढ़ भी सकते हैं, लेकिन बहरहाल हम लोगों को ये एडवाइस करेंगे कि ऐसा ना करें। और इस तरह से गैर कानूनी तौर पे किसी भी कंट्री में जाना वैसे भी गलत है लेकिन आपकी जान को भी खतरा हो सकता है, तो एहतियात करें। लेकिन ये ह्यूमन स्मगलिंग जो है पाकिस्तान में हमेशा से चल रही है, ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि इसमें कई दूसरी कंट्री के लोग भी शामिल थे, तो इसलिए सिर्फ पाकिस्तान का नहीं कहा जा सकता। लेकिन बहरहाल पाकिस्तान में ह्यूमन स्मगलिंग बहुत ज्यादा होती है और उसकी वजह यही है कि लोगों को यहाँ पे जॉब्स नहीं मिलती, लोगों को यहाँ पे खाने के लिए नहीं है, फैमिली की परेशानियां देके लोग इस किस्म की कोशिश करते हैं कि शायद किसी और कंट्री में चले जाएं तो कुछ कमा सकें और अपने घर के लोगों को संभाल सकें। लेकिन दूसरी तरफ पाकिस्तान में पॉपुलेशन के ऊपर कोई काम नहीं किया जा रहा मेरे ख्याल, जो बहुत जरूरी है कि अगर ये खौफनाक तरीके से बढ़ती हुई पॉपुलेशन को अगर रोका जाए और कंट्रोल किया जाए तो बहुत से प्रॉब्लम्स अपने आप ही सॉल्व हो जाएंगे। लेकिन इस तरफ जो है वो मुल्ला माफिया बात करने नहीं देता क्योंकि उनका तो कहना है कि जी औलाद तो जी खुदा की देन है, तो मतलब जितना मर्जी आ जाए कोई अरज नहीं। तो बिल्कुल इस किस्म की सोच की वजह से ही आज हमारा ये हाल है, वरना पॉपुलेशन कंट्रोल की होती तो बहुत बेहतर होता। इटली के फेमस एक्टर मुझे मैसेजेस करते हैं। जी हाँ, ये कहना है मीरा साहिबा का, जो कि फिल्म एक्ट्रेस मीरा है, इन्होंने एक दो इंडियन मूवीज में भी काम किया था, बहुत ही थकी हुई मूवीज थी लेकिन खैर इन्होंने उसमें भी काम किया था। और इनका कहना यह है कि इटली के कोई फेमस एक्टर हैं जो इनको मैसेजेस करते हैं, वो बेचारे कौन हैं और क्यों मैसेजेस करते हैं ये बहरहाल हमें मीरा साहिबा ने नहीं बताया। कहता था सब चोर हैं, अब खुद जेल में है, बुरे वक्त से डरना चाहिए। जी हाँ, ये कहना है शहबाज शरीफ साहब का इमरान खान के लिए कि वो सबको कहते थे कि सब लोग चोर हैं और आज वो खुद जेल में हैं तो बुरे वक्त से डरना चाहिए। बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन शहबाज शरीफ साहब दूसरों का मजाक भी नहीं उड़ाना चाहिए, और जिसे कहते हैं ना कि बुरा वक्त किसी पे भी आ सकता है, इस वक्त इमरान खान की बारी है, पहले कभी आप लोगों की भी बारी हुआ करती थी और आप लोग सब भी मिठाइयां बांटते थे, इमरान खान भी वहां मिठाइयां बांटते थे और खड़े होकर धमकियां दिया करते थे, ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन बहरहाल हमारे यहाँ यही रिवाज है और हमने इसी किस्म की हरकतें होते हुए जो है लोगों को करते हुए देखा है। खैर, हम एक वीडियो दिखाते हैं जाते जाते मौलाना।
कद्दू शरीफ पका के उनके सामने लाया गया। तो बेटा सामने बैठा हुआ है और बाप और बेटा दोनों जो है वो खाना खा रहे हैं, तो कद्दू शरीफ सामने लाया गया। जब लाया गया तो बेटे ने कहा मुझे तो कद्दू पसंद नहीं है। तो बाप ने फरमाया बैठो बेटा, उठ के खड़ा हुआ, आगे गया, वहां से तलवार उठाए और उसकी गर्दन उड़ा दी अपने बेटे। लोगों ने कहा क्या किया आपने? कहा ये मेरे मुस्तफा करीम की पसंद को नापसंद कह देते हैं, इसीलिए ये जहन्नमी है, इसका सर काटना मेरे लिए अजर और सवाब है, भले मेरा बेटा। खैर ये थे मौलाना साहब जो न जाने क्या सुना रहे थे, लेकिन वैसे कद्दू तो मुझे भी नहीं पसंद, लेकिन खैर आई होप कि मौलाना सबको ना पता लग जाए। यहाँ से हम चलते हैं, अपना आप बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपसे जल्दी फिर मुलाकात होगी बहुत सारी नई न्यूज़ के साथ। थैंक यू।